नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। काबुल में हुए लगातार 5 सिलसिलेवार धमाकों ने साबित कर दिया कि मुसलमान आतंकी सभ्य दुनिया के लिए कितने घातक हैं। मजे की बात यही है कि इसमें दोनों तरफ से ऐसे लोग निपटे हैं जिनमें एक ने इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जबकि दूसरी तरफ मरने वाले आतंकियों की जमात के लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में इनमें से कुछ जाहिल जरूर आतंक का रास्ता अख्तियार कर लेते। यू भी इस्लाम आजकल खतरे में चल रहा है। यह दुनिया का पहला मजहब है जो जन्नत की चाह में अपने ही मजहबी भाइयों को कत्लेआम पर उतारू है। इससे यह भी साबित होता है कि इस्लामिक आतंकवाद कैसे गैर मुसलमानों के लिए खतरा बन रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लोकतंत्र पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उसकी आड़ में इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बन गया है। जबकि लोकतंत्र जैसा विचार वहां लागू करना ज्यादा खतरनाक है जहां इस्लाम मौजूद है। लोकतंत्र इस्लामिक आतंकवाद को खाद पानी देने का काम करता है। भारत के मुस्लिम नेताओं के देश विरोधी और जहरीले बोल इसी लोकतंत्र की देन है। या चीन की तरह डंडा तंत्र होता या फिर स्लोवाकिया की तरह अधिकार विहीन स्थान मिला होता तो यह आवाज शायद इतनी विद्रोही नहीं होती। देश के कुछ गद्दार लोगों की वजह से केरल, यूपी, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल में ISIS खुरासान मॉडल मजबूत हुआ है। यह खुरासान मॉडल गजवाई हिंद का सपना देख रहा है। इसे यह सपना देखने का हक भी बनता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र मौजूद है। यह लोकतंत्र मुसलमान आतंकियों को ठोकने की खुली छूट नहीं देता है बल्कि उन्हें कैद में डालकर उनकी सेवा करने का अवसर देता है। बाद में उन्हें बाइज्जत प्लेन में बिठाकर विदाई का मौका उपलब्ध कराता है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया, फ्रांस और श्रीलंका समेत बहुत से देशों में मुस्लिम आतंकवाद सिर उठा रहा है। इन सभी देशों में एक कॉमन बात यही है कि यहाँ किसी न किसी रूप में लोकतंत्र मौजूद है। दुनिया के किसी भी देश में मजहब के नाम पर ऐसा क्रूर चेहरा दिखाई नहीं देता है। दुनिया भर में 300 से ज्यादा धर्म हैं मगर व्यापक रूप से 5 धर्म ही प्रचलित में हैं। इनमें इस्लाम धर्म आजकल खतरे में चल रहा है, वह भी तब जबकि इस धर्म के मानने वालों की दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी रहती है। इस धर्म में सुसाइड बॉम्बर बनना फख्र की बात है। गैर मुसलमानों को मारना अल्लाह की सेवा है। अब इस सूची में अपने ही कौम के लोगों का कत्लेआम भी जुड़ गया है। ऐसा करने से जन्नत की बेहतर उड़े नसीब होती है। दुनिया के दूसरे धर्मों में इस तरह की आतंकी मानसिकता नहीं मिलेगी। जन्नत जहन्नुम की नौटंकी मुसलमान आतंकियों में खूब चलती है। मदरसों में मिलने वाली इस्लामिक शिक्षा में इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया के कपोल ख्वाब दिखाए जाते हैं जहां अल्लाह मौजूद है और इन आतंकियों का इंतजार कर रहा है जो गैर मुसलमानों के साथ अपनी कौम का कत्लेआम मचाकर आए हैं। हैरानी की बात यह कि जिस चांद के इंतजार में आंखें दुखाई जाती है वहां से आकाश काला नजर आता है मगर पृथ्वी से यह रंग बिरंगा दिखाया जाता है। जन्नत और जहन्नुम का रास्ता आतंकियों के रहनुमाओं को जरूर पता है पर वह शक्ति कहां पर है जो इन आतंकियों के सभी कुकर्मों को सही ठहरा रही है। अगर उसे इनके आतंकी कार्य गलत नजर आते तो कम से कम इन्हें तैयार करने वाले मौलानों को जरूर सूचना मिली होती। यानी इस्लामिक आतंकवाद एक सही राह पर चल रहा है। पिछले 30 सालों में 12 लाख से ज्यादा लोग इस्लामिक आतंकवाद का शिकार बने हैं। अचंभे की बात यही है कि इनमें गैर मुसलमानों की तादाद 1 लाख भी नहीं है। सीरिया, यमन, पाकिस्तान, शिनजियांग, इराक, ईरान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे देशों में लाखों मुसलमान आपसी लड़ाई और पश्चिमी देशों की कार्रवाई में मारे गए हैं। चीन, रूस और तुर्की ने भी हजारों मुसलमानों को निपटाया है। दुनिया के किसी धर्म के आधुनिक इतिहास में ऐसा विनाश नहीं हुआ है। कुछ मौलानाओं ने इस्लाम को मध्य युग की हालत में पहुंचा दिया है। इसमें ऐसे मुस्लिम शासकों का भी बराबर का योगदान है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। पर इससे नुकसान गैर मुसलमानों का कम, मुस्लिम कौम का ज्यादा हुआ है। हैरानी की बात यही है कि लोग अब भी जागने को तैयार नहीं हैं। दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो जन्नत या जहन्नुम का दौरा करके आया हो मगर वह इस विषय पर लोगों को किससे सुनाकर उनकी फाड़ रहा है। विमान के इंजन में तेल डाला जाता है तब जाकर वह हवा में उड़ता है। इस्लामिक शिक्षा भी तेल रूपी ऊर्जा का काम कर रही है जिसे पाने के बाद एक आतंकी खुद को उड़ा लेता है। जबकि मजहब न मरना सिखाता है और न मारना बल्कि मोहब्बत, दया और वह सेवा की भावना पैदा करता है। पर लगता यूं है कि इस्लाम का मतलब मौलानाओं ने अपने हिसाब से तय कर लिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।